चलिए आज हमारे साथ एक बार फिर से बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे मौजूद है। आप सभी को याद होगा कि 3 अप्रैल को मैंने इनसे इंटरव्यू किया था, क्योंकि 8 अप्रैल को झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से सीएम हाउस का घेराव करना था। इसी विषय को लेकर हम इनसे बातचीत किए थे और इनका कहना था कि जो भी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करे वो लोग ना करे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले वार्ता कर ले। तो एक बार फिर से अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि 17 अप्रैल को झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 19 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। तो आज इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मनोज पांडे। पिछले जब 3 अप्रैल को मेरी आपसे बात हुई थी तो आपका कहना था कि अभ्यर्थी एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता कर ले। आज 14 अप्रैल है, 17 अप्रैल को एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव होना है। क्या कुछ इस बार संदेश दीजिएगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि पिछले बार आपने एक संदेश दिया था जिसको लोगों ने सीरियसली लिया, आपको बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए थे उसको लेकर। देखिए, 8 अप्रैल को बंदी की घोषणा भी थी, बंदी का क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो वास्तव में झारखंडी है, जो यहाँ का युवा है, यहाँ की माटी से प्रेम है, वो भली भांति जानता है कि ये सरकार ही हमारा कुछ कर सकती है और कर भी रही है। व्यवधान डालने का काम भले ही भाजपा कर रही हो, उसके बावजूद जो एक कमिटमेंट दिखता है मुख्यमंत्री महोदय में, वो काबिले तारीफ है। आने वाला फिर आंदोलन की बातें आ रही हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम युवाओं से आग्रह करूंगा कि ये सरकार आपकी है, ये सरकार आप लोगों ने बनाई है, आप ही ताकत हैं हेमंत सोरेन के, और आप या आप में से कुछ लोग विरोधियों के बहकावे में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाएगी। जो दूसरे दल का शासन था, पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें आपके साथ कैसा बर्ताव होता था आप भली भांति जानते हैं। तो इस सरकार है, आपकी सरकार है, अपनी सरकार है, इसको और मजबूत करना है। हाँ, अगर आपका कोई ग्रीवांश है, कोई आपको त्रुटि नज़र आती हो नीतियों में, आप वेलकम है, आप आए 2, 4, 5, 8, 10 लोग, मुख्य लोग, मुख्य मतलब जो छात्र हैं, वो भाजपा के दलाल नहीं, वैसे लोग की एक टीम बनाकर मुख्यमंत्री महोदय से समय लें। मुख्यमंत्री महोदय निश्चित बैठ के बात करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ कन्विंस कर पाए तो अति उत्तम, लेकिन जो भी नीति बनेगी झारखंड और झारखंडियों के हित में बनेगी, इतना मैं आपको आपके माध्यम से उन छात्रों को आश्वस्त करता हूँ। जब पिछले बार आपने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ अभ्यर्थी मिल ले, बहुत सारे कमेंट आए थे, आपने भी देखा था, अभ्यर्थियों का कहना है कि उन तक पहुंचे कैसे, कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जाए, कितने लोग जाए, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। लोगों का कहना था कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक मनोज पांडे हमें पहुंचा सकते हैं। नहीं, देखिए, उसका एक सिस्टम होता है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री का प्रवक्ता नहीं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मुख्यमंत्री से मिलने का समय निर्धारित करने के लिए उनको कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा, उनके जो आप सचिव हैं उनसे मिलना पड़ेगा, एक अनुरोध पत्र देना होगा और उनसे मिलकर समय सुनिश्चित करवा लें। मुख्यमंत्री तो सभी से मिलते हैं, और जहाँ तक पार्टी की बात होती है, पार्टी के नाते, पार्टी प्रवक्ता के नाते, मैं भी अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराऊंगा और मैं अनुरोध करूंगा जो मेरा हम जो कर सकते हैं, लेकिन टाइम लेना और उनसे मिलना ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है और उसमें ऑफिशियल तरीके से इनको जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर बातें मुख्यमंत्री तक पहुँचेंगी तो निश्चित एक संवेदनशील और प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है, निश्चित रूप से वो बात करेंगे। चलिए फिर से मुद्दा पर आते हैं कि 60-40 नाए चल, तो आपने देखा होगा कई मीडिया चैनल्स में ये चल रहा है, 60-40 नाए चल, तो हम लोग बाहरी को एंट्री नहीं देंगे, झारखंड झारखंडियों के लिए अलग हुआ था, लगभग 22 साल से अधिक हो गया झारखंड बने, फिर भी हम लोग बाहरियों को यहाँ पर रोक नहीं पा रहे, अभ्यर्थियों का कहना है। देखिए, अभ्यर्थी एक तरफ इस तरह के नारे देते हैं, बाहरियों के नियोजन पर आपत्ति जताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके कुछ नेता बाहरी जनता पार्टी के इशारे पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी आप बोल सकते हैं, तो उनके इशारे पर क्यों भटकाव हो जाता है, वो क्यों विश्वास नहीं करते हैं अपने लोगों पर, अपनी पार्टी पर, अपनी माटी की पार्टी पर। तो यहाँ मुझे लगता है कि उनको विश्वास करना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पर, और निश्चित तौर पर वो विश्वास करेंगे, ये सरकार उनकी है, उनके लिए नीति बनाती है और उनके हितों में ही नीति बनाएगी। मनोज जी, आपने देखा होगा कि बजट सत्र से भी अभ्यर्थियों को उम्मीद था,
लेकिन उम्मीद जो है कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव किया था। अब कहा जा रहा है कैबिनेट भी है, कैबिनेट से भी उम्मीद है, लेकिन कैबिनेट के दिन ही अभ्यर्थी जो है वो आंदोलनरत रहेंगे। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को देख रहे, क्योंकि अभ्यर्थी अब आर नहीं तो पार की लड़ाई के मूड में है। देखिए, एक बात समझ नहीं आता है, ये अभ्यर्थी या ये जो हमारे बीच छात्रों का एक हुजूम दिखता है, पिछली सरकार में ये 60-40 न्याय चल तो बोलते हैं, पिछली सरकार में तो 50-50 की व्यवस्था थी, वो कैसे चल रहा था, उस समय आंदोलन क्यों नहीं हुए? आज एक माटी का बेटा कुर्सी पर बैठा तो सभी को पेट में दर्द होने लगा, खास करके जितने बाहरी लोग हैं, और उन बाहरियों के इशारे पर ही आप आंदोलनरत हो जाते हैं, अपने ही नेता के खिलाफ आप सड़कों पर उतरते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, और अपने बीच के उन तत्वों को भी पहचानिए जो किसी दूसरे के इशारे पर आपको भड़का रहे हैं। तो ये छात्रों को विशेष रूप से मैं इंगित करके कहना चाहता हूँ कि वो ठंडे दिमाग से सोचें, ये उनकी सरकार है और उनके लिए नीति बनाएगी। अच्छा, अभ्यर्थियों का कहना है 50-50 से भी हमें दिक्कत थी, हमें दिक्कत थी इसलिए हम लोगों ने उस सरकार को हटाने का कार्य किया और हेमंत सोरेन को वो पद दिया कि हेमंत सोरेन समझेंगे, लेकिन यहाँ पर तो युवाओं का हक ही मारा जा रहा है, हमें अधिकार से वंचित किया जा रहा है, हमारा जो हक और अधिकार है वही हमें नहीं मिल रहा है। देखिए, एक बात तय जान लीजिए कि लोकतंत्र में हम जैसी करनी करेंगे वैसा हमको रिजल्ट मिलेगा। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और मेरा मानना है कि हम झारखंड गठन के बाद सरकार, ये इस सरकार के गठन के बाद 5 उपचुनाव हो गए, 4 उपचुनाव में हम लोगों ने विजय हासिल की, तो जनता की अदालत में भी हम पास हैं, और 2024 का जो आने वाला चुनाव होगा उसमें भी झारखंडी जनभावनाओं वाले लोग, जो भी लोग होंगे वो हमारे साथ होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आप, मैंने बताया कि इसका परिणाम तो जनता के बीच ही आना है, और हम वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि एक बड़े समूह को हम नाराज करें। झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप चलने वाली ये पार्टी उन तमाम विषयों को लेकर, आप देखें, सरना धर्म कोड हो, पिछड़ों का आरक्षण हो, पिछली पुरानी पेंशन योजना हो, नए स्कूलों को खोलने की बात हो, हर क्षेत्र में जो काम माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं वो झारखंडी छात्रों या झारखंडी आवाम को ध्यान में रख के ही किया जा रहा है। हम प्रमोट नहीं करते हैं कि बाहर के लोग आएं और हमारे यहाँ हमको उपनिवेश बना लें। लेकिन PGT और लैब असिस्टेंट के विज्ञापन में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बाहरियों की एंट्री हो रही है। होने दीजिए, पूरा तरह से परिणाम हो जाएगा, ज्वाइनिंग होगा, उस समय आप हमसे बात करेंगे, बैरियर लगाया जाएगा निश्चित रूप से, और जो भी कमी रह जाती है, हमारी हमारा प्रयास वो नहीं है, जो कमी रह जाती है वो व्यवधान जो पैदा करते हैं जो भी पक्ष वाले लोग हैं। आपने देखा कैसे कोर्ट में खड़े होकर रमेंद्र हंसदा, इनके जो नेता थे, उन्होंने याचिका दाखिल की और रोक लग गया जो नियोजन नीति बनाई थी सरकार ने। अगर वो नियोजन नीति रहती तो आज इन सड़कों को सड़क पर, आज लड़कों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। तो ये समझने की आवश्यकता है, रोड़ा कौन डाल रहा है, व्यवधान कौन पैदा कर रहा है, और कुछ कर गुजरने की तमन्ना माननीय मुख्यमंत्री में है। पहचानिए झारखंड विरोधियों को। चलिए, एक आखिरी सवाल है, आपने अभी कहा कि 1,00,000 अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने वाला है, प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए कि अलग अलग विभागों से रिक्तियां जो आई थी उस सब मिला के करीब करीब 1,00,000 हैं। सभी विभागों का अलग अलग एक शेड्यूल है, प्रोसेस है, किसी में अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, किसी में फॉर्म फिलअप हो गया, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, किसी में इंटरव्यू चल रहा है, तो सभी मिला के मुझे लगता है 3-4 महीने में ये सभी सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी और 1,00,000 लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी। सिर्फ इंतजार करना है और धैर्य रखना है छात्रों को।
तो झारखंड के 1,00,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिलेगी और नौकरी की ही तलाश में जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज को उठाते हैं। पिछले बार 8 अप्रैल को इन लोगों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज का घेराव करेंगे, उस प्लान को स्थगित किया गया। अब एक बार फिर से 17 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर मनोज पांडे ने एक बार फिर से अभ्यर्थियों को संदेश दिया है कि आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करें, घेराव करने से पहले वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग धैर्य रखें, सरकार तमाम चीजों को देख रही है और सभी विभागों में यहां पर नियुक्तियां होगी। फिलहाल बने रहिए न्यूज बाय स्कोप के साथ। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल्ट उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।